जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। चलिए सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक सच्चे इंडियन होने के नाते वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज 15 अगस्त है और मैं आप लोगों के सामने कुछ बोलने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ऐसी सजा देंगे दुश्मनों को, ऐसी सजा देंगे दुश्मनों को कि वो मौत के लिए फरियाद करेंगे। जागो मेरे वतन के नौजवानों, अब सरहद तुम्हें याद करेंगे। इसमें बड़े सौभाग्य की बात है कि आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इस तिरंगे झंडे के नीचे एकत्रित हुए हैं। आज ये सारा हिंदुस्तान जो आज़ादी का जश्न मना रहा है, ये आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि सदियों तक हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी और दानवता की चक्की में मानवता पीसी जा रही थी। अंग्रेजों का अत्याचार दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। अधर्म के पैरों तले धर्म को चले जा रहे थे। तो इतिहास गवाह है कि जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और फिर जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ। ठीक उसी प्रकार जब अंग्रेज का अत्याचार दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ा तो हमारे भारत माता ने मंगल पांडे, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान बागियों को जन्म दिया, और जिन्होंने अंग्रेजों की अत्याचार और अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, क्या चलेगी जुल्म की आयले वफा के सामने, क्या चलेगी जुल्म की आयले वफा के सामने, टिक नहीं सकता कोई सोला हवा के सामने, टिक नहीं सकता कोई सोला हवा के काम सामने। दोस्तों, कांप जाए फूल पलक तुम्हारे जुनून से, आसमां पे इनकलाब लिख दूं अपनी खून से। और आखिरकार फिर हमारे देश के बागियों ने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ के फेंका और हमारे भारत माता को आज़ादी मिली। तो चलिए और फिर कुछ बोलने जा रहा हूँ, तो चाहता हूँ कुछ व्यक्त करना, पर कला आता नहीं, याद कर इस शुभ दिवस को चुप रहा जाता नहीं। तो चलिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अपने हिंदुस्तान की गर्व की बात है।